हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मोस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल टैको केक। और ये केक मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी देख रखी थी, इसकी काफ़ी सारी रील्स थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं और आप लोगों के लिए कुछ नया भी हो जाएगा। क्योंकि केक और कपकेक खा के अगर आप बोर हो चुके हैं, बना के बोर हो चुके हैं, तो इस तरीके का केक आप ज़रूर ट्राई करना बना के। बहुत मज़ा आया इस केक को बनाने में, वाकई आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए यहाँ पे हम अपना बनाते हैं टैको केक। तो जिसके लिए सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे बेकिंग पेपर, ये है हाइजीनिक फ्री, और इसे आपको यहाँ पर आपको बेकिंग पेपर ही यूज़ करना है। मैंने यूट्यूब पर बहुत वीडियो भी देखा, उसमें कोई भी पॉलीथीन वगैरह यूज़ हो जाता है। हाँ ठीक है, साफ़ सुथरा है, ठीक है, बट मुझे वो सही नहीं लगता। मैं उस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहती, चाहे वो खुद के लिए हो या कस्टमर के लिए हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वैसे तो ये जो आज का टैको केक है, ये हम अपने घर के लिए ही बना रहे हैं, मतलब किसी का ऑर्डर वगैरह नहीं था और आज कोई केक बनाना भी नहीं था और आज अच्छी खासी टाइम भी थी मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया ट्राई किया जाए और अपने व्यूवर्स को इस केक की डिज़ाइन दिखाई जाए, ये केक बनाने का तरीका सिखाया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग पेपर लिया राउंड सर्कल, आप देख सकते हो, और राउंड सर्कल जो था ये पूरा मैंने 8 इंची का राउंड सर्कल का बेकिंग पेपर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 इंच का एक सर्कल यहाँ पे मतलब कर लिया था, और इसी के अंदर मुझे चॉकलेट को यहाँ पे पोर करना था। चॉकलेट में कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है और उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस चॉकलेट को मेल्ट करके यहाँ पर स्प्रेड करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो स्पॉन्ज यूज़ किया है ये भी 6 इंच का है, इसीलिए मैंने 6 इंच के स्क्वायर के अंदर में अपना जो चॉकलेट है उसे मैंने यहाँ पे मेल्ट कर लिया था। तो अब इसे आपको क्या करना है, इसे आपको करना है बैंड। तो दोनों तरफ से हम यहाँ पे बैंड करेंगे। वैसे यहाँ पे आप इसको बैंड करने के लिए कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास इस तरीके से भारी कांच का ग्लास है तो आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्टील के ग्लास में क्या करना, आप पानी डाल के ऑलरेडी वो ग्लास भारी हो जाएगा, तो आपका जो ये जो टैको का शेप है वो ऑलरेडी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है बीच में, ज़्यादा मतलब कि दबाइएगा नहीं तो फिर क्या होगा ना कि बीच में आपका ज़्यादा दब जाएगा तो इसके अंदर में जो हम क्रीम मतलब डालेंगे वो अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो इस तरीके से मैं रख देती हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए, 1 मिनट के अंदर सेट हो जाता है। और आज मैं यहाँ पे 3 तरीके का बताऊँगी, यानी कि तीनों का जो फ्लेवर होगा ना वो अलग अलग होगा, है तो चॉकलेट वाला ही मगर फ्लेवर मैं तीनों अलग अलग देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में अलग अलग चीज़ें लोगों को पसंद है, तो वही चीज़ मैंने ध्यान में रख के यहाँ पे बनाया है। क्योंकि घर के लिए था, कस्टमर के लिए नहीं था, पहले मैंने घर के लिए बनाया है। अगर कभी मतलब ये जो केक है ना, इसे मैं बना के अपने जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर मैं इसे डालने वाली हूँ, और तब उसके बाद अगर कोई ऑर्डर आता है तो जो ऑर्डर आएगा उसका भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, अगर ऑर्डर आता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर दूसरा वाला सेम चॉकलेट लगाया, उसके बाद स्पॉन्ज लगाया, और यहाँ पे एक तरीका मैंने आपको और दिखा दिया है। आपको केक टिन ले लेना है या कोई भी बर्तन ले लेना है और उसके बीच में भी आप इस तरीके से रख सकते हो। ये तो हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेट करूँगी तो ये मुझे सेट होने में मतलब कि 5 से 10 मिनट लग गया था, मतलब कि जब भी थोड़ा सा सेट हो गया था तो मैंने इसे इस तरीके से उठा के फ्रिज में रख दिया था कि वो जल्दी से थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि वीडियो मतलब शूट करना था तो ज़्यादा समय भी लग जाता है शूट करने में। और यहाँ पर जो आप देख सकते तो कितना परफेक्ट जो शेप है ये आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बेकिंग पेपर हटा के दिखा देती हूँ कितना मस्त हुआ है। यहाँ पे जो आपको चॉकलेट स्प्रेड करना है ना, वो ना ही कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। ज़्यादा करोगे तो फिर काफ़ी मोटा लेयर रहेगा चॉकलेट का जब आप खाओगे तो, और पतला रहेगा तो हो सकता है टूटने का चांस हो। तो 2 तो मैंने आपको दिखा दिया था और तीसरा भी मैंने सेम मेथड से बना लिया था। तो 3 डिज़ाइन मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया, जैसे कि मैंने शुरू में बताया डिज़ाइन तो सेम ही है बट फ्लेवर अलग है। तो यहाँ पे मैंने पहला अपना टैको केक लिया है और इसमें मैं सिंपल व्हाइट क्रीम भरूंगी और इसके बीच में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी टूटी फूटी। वैसे आपके पास जो चीज़ें हों आप उस चीज़ से अपने केक को डेकोरेट करने की कोशिश किया करो। बीच में थोड़ा सा मैंने ग्रास भी डाल दिया है, वैसे टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने केक को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। खाना आपको खुद है, कस्टमर के लिए बना रहे हो तो आप उस अकॉर्डिंग देख लेना, अपने लिए बना रहे हो तो अच्छा से अच्छा हो सके वैसा बनाया करो। कस्टमर को अगर देना है तो जैसा वो पैसा देते हैं हमें उनको उसी तरीके से बना के देना होता है। तो जब खुद के लिए बना रहे हैं तो कंजूसी क्या करना। तो मैंने इसमें क्या किया ना, थोड़ा सा मेरे पास ये ओरियो वाली बिस्किट थी, घर में बच्चे बच्चे होते हैं या हम केक बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल रहती ही रहती है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी जो ओरियो वाली बिस्किट थी वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैंने ऊपर से जो भरी ग्रास थी इसे मैंने अच्छे से
कर लिया जैसे आपने देखा अभी वीडियो में। और यहाँ पे मैं अब दिखाऊंगी दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके का तरीका तो सेम ही है, बस मतलब आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पे फ्लेवर अलग यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस मतलब टैको केक में मैंने चॉकलेट वाली क्रीम यूज़ की है। चॉकलेट की क्रीम ना थोड़ी सी बची हुई थी, जितना पाइपिंग बैग में अगर आपको दिख रहा होगा उतना ही मेरे पास क्रीम बचा हुआ था। केक मैंने बनाया था कल तो उसकी थोड़ी सी क्रीम बच गई थी, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट क्या करना, चलिए आज ये टैको केक बनाते हैं तो इसमें इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो आप भी क्रीम वगैरह फेंका मत करो एक से, जैसे कि अगर आप केक बना रहे हो अगर आप उससे चाहो तो या तो मॉर्निंग में या तो उससे अगले नेक्स्ट डे आप क्रीम को यूज़ कर लिया करो, वेस्ट मत किया करो। तो इसीलिए जितना आपको केक बनाना हो उतना ही क्रीम बीट करो, कभी कभी होता है बच जाता है बट कोई बात नहीं, चलता है उतना तो। तो चलिए ये केक तो मेरे बच्चों के लिए था, तो मैंने इसमें क्या किया थोड़ा सा जैम्स यूज़ कर लिया, जो जो चीज़ें उनको पसंद थी वो चीज़ें मैंने इसमें लगा दी है, जैम्स लगा दिया है और जो डेयरी मिल्क का सॉर्ट्स आता है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, किटकैट लगा दिया है और मैं यहाँ पे बिस्किट भी लगा दूँगी। तो क्या होता है ना कि जो चीज़ें बच्चों को पसंद है अगर उनके अकॉर्डिंग अगर आप केक बना रहे हो तो कोशिश किया करो कि उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें उसमें यूज़ किया करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद इसके ऊपर भी मैं ये जिगजैग टाइप से इसके ऊपर भी मैं गनास लगा दूँगी, सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, बाकी इसे टेस्ट में कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो आप देख लेना आप कैसे बना रहे हो, मैंने अपने लिए कैसे बनाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो और ये जो लास्ट वाली थी ना ये तो मैं अपने लिए बना रही थी, एक्चुअली मुझे ना क्रीम वाली केक बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ मतलब पसंद है बट उतनी पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए ना गनाश वाली यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे इसके बीच में मैं ट्रफल का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चोको चिप्स क्रंचीनेस के लिए कि थोड़ा सा और भी टेस्ट अच्छा लगे। वैसे आप चाहो तो कोई एक ही आप चूज़ करके सेम बना सकते हो, और आप अपने नियर बाई में जो है जो आप अगर आपसे केक लेते हैं तो आप उनको ये बना के एक बार ट्राई कराओ और उन्हें बनाओ और उन्हें दिखाओ भी कि देखिए हम इस तरीके से भी केक बनाते हैं। और ये जो केक है ना जिन्हें क्रीम कम पसंद है उनके लिए ये बेस्ट केक है। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इस केक का भी मुझे ऑर्डर मिले, तो इसीलिए मैं फटाफट से इस केक को बनाने के बाद जो भी मेरा सोशल मीडिया है मैं वहाँ पे डालूँगी, जैसे कि इंस्टाग्राम है तो वहाँ पे भी मैं इसे डाल दूँगी और फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ज़्यादा तो मुझे व्हाट्सअप से ही आ जाते हैं केक के ऑर्डर क्योंकि व्हाट्सअप पे नियर बाय में जो हमारे हैं वहाँ से ऑर्डर आते हैं। तो इसमें भी मैंने ना क्या किया थोड़ी सी किटकैट और बिस्किट का इस्तेमाल कर लिया, एक्चुअली मुझे भी ना ये सब बहुत पसंद है। तो चलिए इसको भी हम अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लेंगे, वैसे डेकोरेशन नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, आपके पास जो हो उस चीज़ से आप डेकोरेट कर लो बस बात ख़त्म। और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी लगा दी थी अपनी जो गनाश है वो बस जिग जैग करके लगा दी थी। और सच बताऊँ ना ये केक बनाने के बाद मतलब बनाते बनाते बहुत मज़ा आया था बनाने के बाद, और खाने में भी उतना ही मज़ा आया था। और आप देख सकते हो जो मेरा तीनों केक है इसे मैं आपके सामने दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो कितना मस्त केक बन के तैयार हो गया है हमारा। और आपको ये केक कैसा लगा ये आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके से नई नई केक की डिज़ाइन देखने के लिए। और वाकई ये केक काफ़ी अमेजिंग लग रहा था, तो जाइए फटाफट से आप भी इस केक को बनाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर आप इस केक को डालिए और वहाँ से आप फटाफट से ऑर्डर लीजिए और फटाफट से मतलब इन्जॉय कीजिए इस केक को बनाने के बाद, वाकई मुझे बहुत ही मज़ा आया था। और इसके ऑर्डर्स भी अगर आएंगे ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस किस तरीके का ऑर्डर आया है मेरे पास। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।